हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं युवराज, आप सभी लोगों का मेरे चैनल व्हाट्स न्यू पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हाल ही में Xiaomi ने Redmi Note 8 Pro डिवाइस के लिए 12.0.5 का अपडेट उसको रिलीज कर दिया है। आज की वीडियो में गाइस हम देखेंगे कि इसके अंदर आपको क्या क्या नए चेंजेस देखने को मिल जाते हैं और कैसे आप इसको अपडेट कर सकते हैं 12.0.4 से 12.0.5 के अंदर। यहाँ पर गाइस मैं आपको ये पहले बताना चाहूंगा कि ये 12.5 का अपडेट नहीं है, ये 12.0.5 का अपडेट है। यहाँ पर गाइस बात की जाए 12.5 की, तो 12.5 शायद आपको जून या फिर जुलाई के अंदर Redmi Note 8 Pro डिवाइस के अंदर Android 11 के अपडेट के साथ देखने को मिल सकते हैं। उसके बारे में कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आया, पर जैसे आ जाएगा आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए गाइस बात की जाए यहाँ पर इस चेंजेस की, इस अपडेट की, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं Xiaomi का एक चैनल है जिसके ऊपर इसका चेंज लोग है, उसको अपलोड किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं, बस आपको अप्रैल महीने का 2021 का एक लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है और छोटे मोटे आपको सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर अपडेटर ऐप चेक किया, ये उन्हीं लोगों को मिल रहा है जिन्होंने पहले बीटा टेस्टिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था, सभी लोगों को ये नहीं मिल रहा है। पर अगर आप चाहे तो इसको अपडेट कर सकते हैं मैन्युअली, सभी लोग शायद इसको अपडेट कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर चेक अपडेट कर रहा हूँ, मेरे फोन के अंदर ये शो नहीं कर रहा है। तो गाइस आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में आपको इसका OTA अपडेट का लिंक एंड फुल रिकवरी रोम का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपने हिसाब से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले से ही उसको डाउनलोड कर लिया है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से गाइस 761 MB का फाइल होगा, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इसको आपने यहाँ से मूव करना है इंटरनल स्टोरेज के अंदर और यहाँ पर आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है डाउनलोडेड रोम। इस तरीके से गाइस आपको एक फोल्डर क्रिएट कर देना है। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप फोल्डर क्रिएट करेंगे तो यहां पर इस तरीके से एक आइकॉन आ जाएगा, उसके बाद इसको इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है। हमने इसको पेस्ट कर दिया है, अगर आपको यहां पर क्लियरली नहीं दिख रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके फोल्डर का नाम चेक कर सकते हैं, वहां पर मैं फोल्डर का नाम है उसको डाल दूंगा। जैसे ये हो जाता है उसके बाद गाइस वापस से आपको यहाँ पर सेटिंग में आना है, यहाँ पर आपको अपडेटर पर जाना है, यहाँ पर MIUI 12 का लोगो है उसके ऊपर टैप करना है, उसके बाद आपके एडिशनल फीचर है वो इनेबल हो जाएंगे। उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करना है, दूसरा वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से हमें जो हमने फाइल को कॉपी पेस्ट किया है उसको बस यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विकली यहाँ पर रीबूट का ऑप्शन आ चुका है, इसका मतलब कि हम इसको अपडेट कर सकते हैं। गाइस ये इंडिया स्टेबल अपडेट है, तो आपके पास इंडिया का Redmi Note 8 Pro डिवाइस है तो आप इसको आसानी से अपडेट कर पाएंगे और इससे आपका कोई भी डेटा लॉस वगैरह भी नहीं होगा। तो चलिए अभी हम इसको डायरेक्टली रीबूट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी हमारा Redmi Note 8 Pro है वो 12.0.5 के अंदर अपडेट हो चुका है। यहाँ पर जैसे ही आप अपडेट कर लेते हैं तो नोटिफिकेशन के अंदर एक आपको अपडेट सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसके अंदर आप चाहे तो चेंज लुक वगैरह पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम चेंज लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ऑप्टिमाइजेशन किया गया है सिस्टम के अंदर, यहाँ पर आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच 2021 अप्रैल महीने का मिल रहा है। दूसरा कोई भी यहाँ पर मेजर चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर गाइस बात करें एंड्रॉइड वर्जन की तो एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलने वाला है, एंड्रॉइड 11 अभी तक इस अपडेट के साथ हमें नहीं मिला है। साथ में गाइस यहाँ पर दूसरे चेंजेस की बात करें तो दूसरा गाइस मुझे इसके अंदर कोई भी चेंज अभी तक नहीं मिला है, अगर मिल जाता है तो इसका फुल रिव्यू बनाकर मैं आपके साथ उसको भी शेयर कर दूंगा। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।